हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एजुकेशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश पोस्ट सर्कल द्वारा 2834 पदों के लिए ग्रामीण डाक सेवा के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो दसवीं पास है, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी और फॉर्म को कैसे भरना है वीडियो में डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस जॉब के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे ये जॉब डिटेल आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वो ग्रामीण डाक सेवा की निकली हुई है। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, इसकी ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, नेक्स्ट जो निकली है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी AVPM, और थर्ड जो निकली है वो डाक सेवा के लिए निकली है। दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए 292 वैकेंसी हैं, OVC के लिए 296 वैकेंसी हैं, PWA के लिए 33 वैकेंसी हैं, PWB के लिए 30 वैकेंसी हैं, PWC के लिए 29 है, PWDE के लिए 21 है, SC के लिए 428 हैं, ST के लिए 566 हैं और जनरल के लिए 1139 वैकेंसी हैं। टोटल 2834 वैकेंसी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सर्कल ने यहाँ पर निकाली हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो यहाँ पे जो सैलरी दी जाइए है वो BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 फोर आवर्स के लिए है, और 5 आवर के लिए 4,500 रुपीज़ है। और AVPM ऑब्लिक डाक सेवा के लिए दोस्तों, यहाँ पे 4 आवर के लिए 10,000 है और 5 आवर के लिए 12,000 यहाँ पे दी हुई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों एज के बारे में। तो यहाँ से 18 से 40 वर्ष के आयु वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 वर्ष एज है, और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलेक्सेशन दिया हुआ है, OVC के लिए 3 साल का एज रिलेक्सेशन दिया हुआ है, EWS के लिए कोई एज रिलेक्सेशन नहीं है यहाँ पे, पर यानी जनरल PWD वालों के लिए 10 साल का एज रिलेक्सेशन है, और OVC PWD वालों के लिए 13 साल का, और SC ST PWD वालों के लिए 15 साल का एज रिलेक्सेशन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दसवीं पास क्वालिफिकेशन मांगी हुई है दोस्तों, है ना, और आपको कंपलसरी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज वो हिंदी है, तो यहाँ पे आपको हिंदी आनी चाहिए। यदि आप अदर स्टेट के हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी आनी ही चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। यहाँ पे 60 दिन का डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा हुआ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। दोस्तों, यहाँ पे साइकिलिंग मांगी हुई है। यदि आपको दोस्तों ग्रामीण में जाना है तो आपको साइकिल चलानी ही आनी चाहिए। यदि आपको मोटरसाइकिल वगैरह चलाना आती है तो साइकिल की कैटेगरी में ही गिनी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट मेरिट लिस्ट होगी, है ना, और यदि दोस्तों आपका 10th से हायर एजुकेशन आप यहाँ पे दर्शाते हैं तो दोस्तों आपके जो 10th में हाईएस्ट परसेंटेज है वही उसी के मार्क्स से ही आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पे फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टेप फॉर्म है, फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड स्टेज में आपको फीस पेमेंट करना है, और थर्ड स्टेज में आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म एप्लीकेशन करना है, फोटो अपलोड और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे आपको दोस्तों, इसके बाद सबमिट करना है, इसके बाद आप प्रीव्यू दे सकते हैं और यहाँ पे अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होते ही आपको सबसे पहले आपको अपना नाम और आपकी पूरी डिटेल भरना है। डिटेल पूरी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट की डिटेल भरना है। मार्कशीट की डिटेल भरने के बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो दोस्तों अपलोड करते टाइम आपको यह याद रखना है कि फ़ोटो आपका 50 KB से कम का हो, है ना, और इसके जो पिक्सल साइज है वो ये दिया है। इसके बाद सिग्नेचर आपको भरना है, सिग्नेचर की साइज़ जो 20 KB दी हुई है और पिक्सल साइज यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका कैप्चा डालना है,
टेक्सचर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू देखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना और इसके बाद सबमिट डिटेल करना। और यदि दोस्तों आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।